एक्सप्रेस लाइफ न्यूज आवाज आपकी सुरक्षा हमारा। हंडिया से प्रत्याशी रही निधि यादव को सपा महिला सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हंडिया में जोरदार हुआ स्वागत। नमस्कार, माधवपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के हंडिया कस्बा स्थित मानस हाल में समाजवादी पार्टी के बैनर तले स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हंडिया विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी व प्रदेश प्रवक्ता निधि यादव के समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद हंडिया प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा गाजे बाजे और मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निधि यादव ने कहा कि भाजपा शासन में नारी सुरक्षा व स्वावलंबन एक चुनौती बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि सर्व समाज के हित व विकास के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार स्थापित करना जरूरी हो गया है। वहीं विधान परिषद सदस्य वासुदेव यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के कुशासन से उत्तर प्रदेश की जनता निजात चाहती है। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष व पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश मौर्या, समाजवादी लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष संजय मौर्या, पूर्व जिला पंचायत सदस्य व सपा जिला सचिव प्रभाकर यादव, सपा लोहिया वाहिनी के जिला सचिव सतीश यादव सत्या ने सपा सरकार की कार्यों को विस्तार से गिनाई। संचालन स्थानीय विधानसभा अध्यक्ष रमाकांत विश्वकर्मा ने किया। प्रधान राकेश यादव, सिराज नेता ब्रजलाल यादव, मुलायम धर्मेंद्र यादव लोहिया, पंकज यादव, सूर्यबली यादव, गोलू यादव, नसीम का ओम प्रकाश यादव और महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से मनीष शुक्ला, हंडिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज आवाज आपकी सुरक्षा।